नमस्कार दोस्तों, मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने YouTube चैनल पर अर्थमेटिक मैथमेटिक्स विद ट्रिक्स। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स को ट्रिक्स के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको फिर कराने जा रहा हूँ ट्रिक के थ्रू अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मी BU का एग्जाम नज़दीक आने वाला है। अब आपके पास 25-26 डेज रह गए हैं, 16 अगस्त का है, तो उसके लिए पूरा सिलेबस करा रहा हूँ। और मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाए जो ट्रिक्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आप BU एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रिक्स देखिए, यदि ए कोमा बी तथा सी का अनुपात, अगर आपका ए कोमा बी तथा सी का अनुपात एल अनुपात एम अनुपात एन है तथा ए का हिस्सा, दैट मीन्स जनरली क्या है कि कोई भी तीन क्वांटिटी हो, इनका रेशियो दिया हो, इसमें से किसी एक का गिवन हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ए का गिवन है, बी का गिवन है, किसी का भी दे सकता है। अगर ए का गिवन है तो ए के अकॉर्डिंग निकालेंगे, बी का गिवन है तो बी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और सी का गिवन है सी के अकॉर्डिंग। यहाँ ए का हिस्सा दिया हुआ है आर, मीन्स ए की वैल्यू दी है, तो वो कह रहा है कि बी का हिस्सा निकालिए। तो बी का रेशियो क्या है, एम, तो एम अपॉन एल, इट मीन जो गिवन है वो हमेशा नीचे आएगा, जो गिवन है वो, और जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा। अगर आपको एम आपका ए का निकालना है और आपका बी गिवन होता तो आपका बी का जो रेशियो एम आपका नीचे आता, एल ऊपर आ जाता। यहाँ पर किसका गिवन है, ए का, तो ए का गिवन है तो एम अपॉन एल इंटू आर, और सी का हिस्सा निकालेंगे तो सी का एन अपॉन एल इंटू आर। अब इन दोनों का अंतर है, अलग अलग निकाल लिया तो माइनस करके अंतर निकाल देंगे, अदरवाइज ऐसे दिया हुआ है कि दोनों का ये नहीं निकल पा रहा है, दोनों का अंतर बताइए, तो ये फॉर्मूला आता है एम माइनस एन अपॉन एल इंटू आर। इट मीन्स यहाँ पे आपका लिख सकते हैं कि एम ग्रेटर देन ऑफ एन, एम की वैल्यू एन से बड़ी होगी, अगर एन बड़ा है तो एन में से एम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कुल हिस्सा भी कह सकता है कि टोटल निकालिए, टोटल कितना है, तो टोटल निकालने के लिए L प्लस M प्लस N अपॉन L, जो हिस्सा गिवन है वो आपका नीचे इनटू ऑफ R, ठीक है ना। ट्रिक समझ में आ गई। अब आप देखिए इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। पायल सीमा तथा काजल, तीन गर्ल्स हैं, पायल सीमा और काजल ने मिलाकर एक व्यापार शुरू किया, उन लोगों द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, तीनों का अनुपात यह 5:3:2 तथा पायल का हिस्सा 15,000 रुपये है, तो सीमा तथा काजल का हिस्सा क्या होगा, सीमा और काजल का हिस्सा बताइए, दोनों का अंतर बताइए और कुल धनराशि कितनी है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गई। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास क्या गिवन है, पायल, पायल अनुपात सीमा अनुपात काजल, क्या रेशियो गिवन है आपके पास, 5:3:2, तीनों का रेशियो दिया है। अगर इसे चाहें तो कैपिटल लेटर पहले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी पायल सीमा एस एन के ऑफ काजल, ठीक है ना। अब किसका भाग दिया हुआ है हमें, पायल का, पायल का भाग, इट मींस पायल का भाग दिया हुआ है रुपीज 15,000 रुपए पायल का दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। किसका फाइन करवा रहा है, अब बताइए सीमा का, सीमा का हिस्सा, देखिए सीमा का हिस्सा निकालने के लिए सीमा का रेशियो कितना है, आप देखो सीमा दूसरे नंबर पे, रेशियो आपका दूसरा, पहले नंबर पे पायल है तो पायल का ये, और लास्ट नंबर पर की है काजल तो काजल का दो, तो जो जिसका हिस्सा निकलवा रहा है उसका रेशियो ऊपर आएगा, तो कितना आएगा 3/2, और ये नीचे क्या आएगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग जो हिस्सा गिवन होता है एल, एल किसका दिया था ए का, तो यहाँ किसका दिया है पायल का, तो पायल का कितना है रेशियो 5 × जो दिया है इसका 15,000, काटिए 5 × 3 = 9 ₹9,000, दिस इज द पार्ट ऑफ सीमा, सीमा का भाग कितना हो गया 9,000। अब किसका चाहिए आपको, काजल का हिस्सा, काजल का हिस्सा, तो काजल का हिस्सा के लिए काजल का रेशियो ऊपर लगा दो, क्या दिक्कत है, 5 × 15,000, ये तो सेम कटेगा, तो ये कितना 3×2 = 6,000, ये हो गया हमारे पास इनका। अब ये कर दोनों का अंतर बताइए, तो आप जानते हैं सीधा सीधा
कि 90,000 में से सिर्फ 1,000 हटा देंगे, 3,000 निकल जाएगा। अब ये नहीं निकाला होता और डायरेक्ट यही कहता कि केवल दोनों का अंतर बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, सीमा तथा काजल के भाग का अंतर, दोनों का अंतर। अब आप देखिए सीमा का रेशियो कितना है, 3 - 2/5 और इनटू 15,000, 5 3 15 3 में से 1 × 3,000 इट मींस रुपीज और 3,000। वैसे भी अंतर निकालेंगे अगर 9,000 में से 6,000 आएगा तो कितना आएगा, 3,000 आएगा। ऐसे भी निकालें, ऐसे भी निकालें। अब आपका तीनों का पायल, सीमा तथा काजल का भाग, ठीक है ना। तो देखिए तीनों का, तीनों का रेशियो ऊपर लिखेंगे, 5 + 3 + 2 डिवाइड बाय किसका गिवन है, 5 × 15,000। ये कितना हो गया आपका, 5 × 3 = 5 + 3 = 8 = 10 × 3,000 = ₹30,000। टोटल भाग कितना हो गया, 30,000। वो आपको वैसे भी दिख रहा है, देखिए 15,000 दिया था तो 15 और आपका इसका कितना है 9, 15 9 कितना है 24 और 24 और 6 कितना है हमारे पास 30, टोटल आ गया 30। ट्रिक समझ में आ गई होगी, सिंपल ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो वीडियो को लाइक्स करें, शेयर्स करें, सब्सक्राइब करें पहली बार आए हैं तो, ठीक ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम थी कमेंट के माध्यम से माँ जो है आप इन्फॉर्म करें, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।